आयशा नगर में जो हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक हुआ। बहुत सारे गरीब लोगों की, कम से कम 20 25 40 लोगों की घर और झोपड़ी जल के खाक और निस्तनाबूत हो गई। बेचारे सब परिवार रास्ते पे आ गए। खाने का और जीना आवश्यक जो भी वस्तु है, घर में का सामान है, सब जल के खाक हो गया। ये दो तीन दिन पहले मेरे को शफीक एंट्री साहब, जाबिर भाई, इनकी तरफ से मालूम पड़ी। मेरे यहाँ भी थोड़ा सा कार्यक्रम था, नामको बैंक का चुनाव चल रहा था, मैं रुका था। फिर भी वहाँ जाके विजिट करने से ज़्यादा या आके कुछ तो भी दे के जाना, ये मैंने जरा मुनासिब समझा। इसीलिए हम सब जिम्मेदार, हमारे बारह बलूतीदार राम रहीम का हॉस्पिटल हमने निका जब चालू किया था, तब साबिर भाई थे, इजाज भाई थे, शफीक एंटी साहब थे, अभी जाबिर भाई है। तो हमारी बारह बलूतीदार की जो कमेटी है, तो क्या करना चाहिए। तो आज इनको पहले अभी वो रास्ते पे आ गए, उनका खाना पकाने का जो कोई सामान सामग्री है वो नहीं है, तो वो पहले देनी चाहिए। तो हमने सब तैर करके आज 25 लोगों का जो भी जो नुकसान हुआ है, उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनके लिए खाना पीना का, जो पकाने का, नहाने का, धोने का, जितना भी बर्तन है वो सब बर्तन, बात का भी सेट, वो सब बर्तन लेके यहाँ पे आए हैं और उनको एक छोटी सी मदद देने का प्रयास किया है। बारह बलूतीदार हमारा जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन हमेशा जात पात धर्म ना देखते हुए सब गरीब की खिदमत करता है। पीछे जब कोरोना का टाइम था, तब हमने राम रहीम हॉस्पिटल निकाला था। रमजानपुरा में जब बड़ा हादसा हुआ, तो तुम्हारी, हमारी, अपने मालेगांव की बेटी, मेरी लड़की प्राजक्ता का जब शादी हुई, तब 14 लोगों को वहाँ के उनके घर बनाने के लिए 12-13 लाख रुपए दिए थे और घर बनवाने में बड़ा सहयोग दिया था। उससे पहले भी नवकिरण साइजिंग के पास हादसा हुआ था, वहाँ भी हम आके सहयोग किया था। वो 4 साल पहले, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, ये कोई राजकारण नहीं, ये हमदर्दी है और गरीब के लिए जो जज्बात है वही है। जो बोलते हैं ना कि सबसे ताकतवर तो लोहा होता है, वो सबको काट देता है। लोहे से भी ताकतवर आग होती है, वो लोहे को पिघला देती है। आग से भी ताकतवर पानी होता है, वो आग को भी बुझा देता है। वो पानी से भी ताकतवर इंसान होता है, वो पानी को भी पी जाता है। और इंसान से ताकतवर मौत होती है, वो इंसान को भी खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर दुआएं होती है, जब कोई संकट और मौत आती है तो दुआएं उसको टाल देती है। हम बारह बलूतीदार, शफीक भाई, जाबिर भाई, साबिर भाई और मेरे तरफ के ये स्वप्निल भाई, कमलाकर पवार, सुरेश जी शेलार, हम सब मिलके दुआएं कमाने का काम करते हैं, आशीर्वाद और पुण्य कमाने का काम करते हैं। इसमें ये छोटा सा सहयोग हम नहीं, जो भी करता है तो ऊपर वाला अल्लाह ताला भगवान करता है। भगवान ने हमारे हाथ से नेक काम कर लिया। बातें करने से ज़्यादा जो देना है वो दे के जाने का यही मनसूबा लेके आए। हमने कुछ किया नहीं है, ये अल्लाह ताला के आशीर्वाद से देने का काम किया है। इतनी बात कहता हूँ। अपने मालेगांव के लीडर, आवाम सब अच्छे है। ये हादसा होना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं बोलूँगा कि इस हादसे में से अच्छा ये देखना है कि किसी की जान गई नहीं। अल्लाह ताला ने और ऊपर वाले ने और भगवान ने किसी को जान को जोखिम में डाला नहीं, किसी को तकलीफ हुई नहीं। सर सलामत तो पगड़ी हजार, जान है तो जा है। अपन सब मिलके ये भाइयों के साथ है, इनका संस्कार आगे जाके सब मिलके, हम और इधर के मालेगांव के सुन्नी जमियतुल उलेमा है, रजा एकेडमी है, इन सबको साथ में लेके, हमारा बारह बलूतीदार लेके, जैसे रमजानपुरा में मकान बनाए, इनके भी मकान अच्छे से बना देंगे। और ये शक्ति अपन को अल्लाह ताला भगवान राम रहीम देंगे, यही प्रार्थना उनको करता हूँ। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी मीडिया वाले मालेगांव के यहाँ पे आए, बात समझ में आई तो।